कन्या राशि वालों, इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद वैदिक ज्योतिष के अनुसार अलौकिक खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, जिसके चलते कन्या राशि में एक बड़े प्रभाव का अनुमान लगाया जा रहा है। कन्या राशि वालों, हमारे पिछले बुध राशि परिवर्तन के वीडियो में, मंगल राशि परिवर्तन के वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने भविष्यवाणी की थी देश दुनिया में राज्य एवं देश को अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। भूकंप के कारण भी जानमाल का नुकसान होगा और नारीवाद से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती है, तो यह भविष्यवाणी सच होती जा रही है। जी हाँ कन्या राशि वालों, यहाँ पर एक और भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ कि आने वाले समय में यानी कि 26 अगस्त 2021 और गुरुवार के दिन ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह फिर एक बार परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस बार भी यह परिवर्तन के कारण तेज आंधी, तूफान, भारी बारिश होगी, तो एक बड़ा चक्रवात भी आने की संभावना बन रही है। जहां तीन राशियों के लिए कुछ अघटित घटनाएं घटेगी, तो 12 राशियों में से कन्या राशि के लिए किस्मत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। और ये बुध राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण इसीलिए रहेगा क्योंकि वह सिंह राशि से निकलकर उनकी खुद की राशि यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और बुध ग्रह अपने घर कन्या में विराजमान होकर उच्चस्थ बनते हैं। इसके साथ साथ बुध ग्रह आपकी राशि कुंडली में देह भाव एवं कर्म भाव के लोड होकर अपने घर में विराजमान रहेंगे, तो उनकी पूर्ण दृष्टि दैनिक व्यवसाय भवन पर पड़ने जा रही है, जिसके ही कारण आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं समय में क्या होंगे बड़े बदलाव। कन्या राशि वालों, वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह नवग्रह के राजकुमार माने जाते हैं, जिसका इस वक्त असर बहुत ही सटीक और व्यापक होता है, जिसके कारण इस समय कार्य से लेकर व्यापार तक, नौकरी से लेकर पारिवारिक जीवन तक, प्रेम से लेकर धन तक, हर मामले को आपके पक्ष में लेकर जाने वाला है। बुध के गोचर के प्रभाव से लव लाइफ में किसी वजह से गलतफहमी का शिकार हुए हैं वह जातक इस समय अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में सफल रहेंगे, अच्छी स्थितियां निर्मित होगी और फिर मिलने का मौका मिलेगा। वही दाम्पत्य जीवन में भी शुभ फल प्राप्त होता नजर आएगा। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि के साथ भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी के प्रबल योग बन रहे हैं, तो जहाँ इस समय आर्थिक जीवन को लेकर भी बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। जी हाँ, बुध ग्रह यहाँ पर उन जातकों को व्यापार में लाभ प्राप्त करवाएगा जो आर्थिक स्थिति से काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। कोविड-19 एवं मंदी के असर के चलते व्यापार ठप पड़ा है, व्यवसाय कार्य क्षेत्र हुए भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, वह इस समय प्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक जीवन में बढ़ोतरी होगी तो विभिन्न कार्य भी आसानी से हो जाएंगे। जी हाँ, इस गोचर के काल में पिछले काफी समय से आप जिस कार्य को लेकर चिंतित है या फिर कार्य फंसा हुआ है, कार्य नहीं हो रहा है, वह कार्य भी आसानी से होगा, मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा, तो नौकरी के लिहाज से भी यह समय आपको लाभान्वित करेगा। खासकर युवा पीढ़ी इस वक्त धन से जुड़ा हुआ लाभ प्राप्त करेगी। जहां योग्यता और काबिलियत के बावजूद कार्य से वंचित लोगों को कार्य का अवसर मिलेगा तो उच्च जगह पर नौकरी मिलेगी। यहां तक प्राइवेट संस्थान में स्थित होकर पद एवं अच्छी सैलरी के साथ कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। तो वही जो जातक अपने कार्य को लेकर चिंतित थे या जो बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भी नए अवसर की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में अधिकारी के साथ संबंध सुदृढ़ बनेंगे और उसका ही नतीजा होगा कि इस समय आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। तो उसके साथ साथ सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी सफलता के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, यानी कि इस समय प्रतिष्ठित कार्य पूर्ण होंगे तो सैलरी एवं गुप्त जरिए से भी धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। खासकर बुध ग्रह इस समय आपके अंदर ऊर्जा का जबरदस्त संचार करेगा तो कार्य कौशल एवं चीजों को सही मायने में पहचानने का गुण भी प्रदान करेगा। इसके ही कारण इस समय आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय को ले पाएंगे जो धन कमाने में आपकी सहायता करेंगे। साझेदारी से कार्यों में लाभ प्राप्त होगा तो वही व्यापार कार्य क्षेत्र में इस अवधि में आप कोई अच्छा सौदा करने में भी सफल रहेंगे, कामयाबी मिलेगी। यदि सरकारी टेंडर के लिए आवेदन देना चाहते हैं या फिर किसी छोटे या बड़े प्रोजेक्ट की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है तो इस समय आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जहां व्यापारी जातक अपनी यात्रा के कारण धन प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे तो किस्मत के सहयोग के चलते जो नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं, कारोबार को फैलाना चाहते हैं, साझेदारी के साथ व्यवसाय प्रारंभ करने के बारे में सोच रहे हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उन्हें भी हर तरफ से सहयोग मिलेगा तो आपके संसाधनों में विस्तार होने का कारण भी लाभ प्राप्त होगा। लोन से जुड़े हुए आवेदन भी मंजूर हो सकते हैं तो अच्छी डील प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। दोस्तों, ज्योतिष कुंडली में कोई ऐसे दुर्योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। बुध ग्रह न केवल सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति का कारक माना जाता है,
किंतु वह अधिकारों की प्राप्ति प्रदान करता है, प्रोफेशनल जीवन को उत्तम करता है तो वही सही निवेश से भी लाभ प्रदान करता है, जिसके कारण शेयर बाजार एवं लंबी अवधि में निवेश आपके लिए लाभदायक रह सकता है। तो इस समय जमीन मकान एवं प्रॉपर्टी क्रय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, जो विदेश यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं, चाहे वह शिक्षा प्राप्ति हेतु कार्य हेतु जाने के प्रयास में है, तो इस समय आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, क्योंकि वह बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है, जिसके कारण उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आपको बड़ी संस्था में दाखिला मिल जाएगा। तो मेडिकल इंजीनियरिंग एवं गणित शास्त्र से जुड़े हुए जातकों को भी लाभ प्राप्त होगा। तो वही आप किसी मुकदमे में उलझे हुए हैं तो वहां से भी निकलने में सफल रह सकते हैं। खासकर वह जातक जो अभी तक सिंगल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तन्हाइयों से खेल रहे हैं, उनके प्राणी संबंध बनने के प्रबल योग बन रहे हैं, तो वही प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातक भी इस अवधि में महत्वपूर्ण पलों को गुजारने में कामयाब रहेंगे। यहाँ तक आपके संबंध एक और ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, किंतु इस वक्त मौसमी बीमारी एवं सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। साथ में गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है, आपकी प्रतिष्ठा में हानि कर सकता है, तो वही आकस्मिक भय की स्थिति भी बनी हुई है, इसलिए संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।